हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TSK मोटो गैलरी। आज हम डिटेल रिव्यू करेंगे यामाहा R15 वर्जन 3 का। तो चलिए चंद्रा ऑटोमोबाइल चलते हैं, यहाँ से 1 ही किलोमीटर की दूरी पे है, तो चलिए वहीं चलते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. आज हम यामाहा R15 वर्जन 3 का डिटेल रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके प्राइस की बात कर दूँ तो ये 1.5 लाख एक्सोरूम प्राइस में मिलेगा। और इसमें आपको 3 कलर मिलते हैं। ये थंडर ग्रे कलर है और इस साइड आपको रेसिंग ब्लू और डार्क नाइट कलर भी देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले इसके फ्रंट व्हील से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 100x80 सेक्शन के 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। इसमें MRF का टायर देखने को मिल जाता है। यह है इस बाइक का फ्रंट ब्रेक। इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है और इसके डिस्क का साइज 282mm है। यही सेम डिस्क आपको FG में भी देखने को मिलता है। और फिर इसके सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। फिर इसके हेडलाइट की बात करते हैं तो इसमें आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाता है। और यह है इस बाइक का DRL, देख सकते हैं। यह है इस बाइक का मडगार्ड। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फाइबर यूज किए हैं कंपनी ने इस बाइक में। और यहाँ पे आपको R15 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। सामने से कुछ इस तरीके का है इस बाइक का लुक। बहुत ही बल्की बाइक है ये। इस साइड आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ये भी आपको बल्ब मिलते हैं, लेकिन अब यामाहा LED का भी ऑप्शन दे रहा है। इस साइड आपको इस बाइक के ग्राफिक्स मिल जाएंगे, R15 की बैजिंग और यहाँ पे यामाहा की बैजिंग। साइड से कुछ इस तरीके का लुक है। फिर इसके टैंक की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। इसके माइलेज की बात करें तो 42-45 KMPL का माइलेज देगी ये बाइक। और ये है इस बाइक का इंजन। इसमें आपको 155cc का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर FI इंजन देखने को मिलता है। फिर इसके पावर फिगर्स की बात कर ले तो आपको 18.3 BHP पार और 14.1 Nm टॉर्क मिलेगा। इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स मिल जाता है। ये लिक्विड कूल बाइक है इसलिए आपको ये देख सकते हैं, ये इस बाइक का रेडिएटर। फिर इसके यह इस बाइक का एग्जॉस्ट देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके का है। डुअल टोन में इसका आपको मिल जाता है ये। फिर इसके रियर व्हील की बात करते हैं तो इसमें आपको 140x70 सेक्शन के 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। इसमें आपको MRF का टायर देखने को मिलेगा। ये इस बाइक का रियर ब्रेक है। इसमें आपको डुअल चैनल ABS और इसके डिस्क का साइज 220mm है। इसमें आपको निसिन के कैलिपर्स यूज किए गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। पीछे से ये बाइक कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको LED टेल लाइट मिल जाता है, बल्ब इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और ये नंबर प्लेट लगाने का जगह है। इस साइड आप देख सकते हैं इसमें आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। ये मडगार्ड है इस बाइक का और ये साड़ी गार्ड।
इसमें आपको ओपन चेन सिस्टम मिलता है जो 400-500 किलोमीटर पर साफ करना पड़ता है। और ये इस बाइक का एल्यूमिनियम सुंगाम है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। के मीटर कंसोल की बात करते हैं तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, ये बिल्कुल मोबाइल के जैसे लगता है, बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल मिल जाते हैं, देख सकते हैं। फिर इसके स्विचेस की बात करें तो ये हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है आपको, इसी में आपको पासिंग लाइट का स्विच मिलेगा, ये टर्न इंडिकेटर का स्विच है, ये हॉर्न का स्विच है। इस साइड आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, ये इंजन स्टार्ट बटन मिल जाता है, देख सकते हैं। ये यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छे हैं ये। फिर इसके सीट की बात करें तो ये राइडर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन पिलियन के लिए बहुत छोटी सीट है। फिर इसके सीट हाइट की बात करते हैं तो इसमें 815 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है और 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। और इसके व्हील बेस की बात करें तो इसमें 1325 mm मिल जाता है और वेट इस बाइक का 140 kg है। तो आप बात कर लेते हैं ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो देखा जाए तो यामाहा इसके इंजन के पैसे लेता है, 1.5 लाख रुपये मायने रखता है। तो इसके इंजन भी उस हिसाब से दिया गया है, 150 cc में ही सबसे नंबर वन इंजन है। तो इसके ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी इसका बहुत बढ़िया है, इसके माइलेज भी बहुत बढ़िया आती है। और इसके कम्फर्टेबल की बात करें तो ये राइडर के लिए कम्फर्टेबल है, लेकिन पिलियन के लिए अनकम्फर्टेबल है क्योंकि इसका सीट बहुत छोटा दिया गया, लेकिन बाकी सब कुछ डिजिटल मीटर दिया गया इसमें। फिर टेल लाइट LED दिया गया, अब तो इसके टर्निंग इंडिकेटर भी LED आने वाले हैं। यामाहा की ये बाइक मुझे वैल्यू फॉर मनी लगी है, तो क्योंकि ये बहुत सारी इसके अच्छाइयां हैं, देख सकते हैं आप इसमें कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दी गई है। यामाहा ने बहुत बढ़िया बाइक बनाया है, बाकी हमेशा की जैसे अभी भी R15 सबकी नंबर वन बाइक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए बाइक के साथ नए वीडियो में। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे मेरे को सपोर्ट मिले। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन या कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी बात हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए या कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ के उसका आंसर ज़रूर दूँगा।